अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया जी आप सबका ब्रांड न्यू जीरो मीटर ब्लॉग में। आफ्टर आई थिंक वन वीक यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, तो इंशाल्लाह रेगुलर रूटीन में मेरे ब्लॉग्स आएंगे। और आज मेरे दोस्त की, मेरे भाई की, सुल्तान की शादी है, उसकी मेहंदी है। सुल्तान जो है वो मेरा कज़न लगता है, मेरे मामू लगते हैं उसके अब्बू, तो मेरे भाई की शादी है, इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। तो उसकी मेहंदी पे जाना है। वहां जाने से पहले मैं जा रहा हूँ सत्याना अली आवास भाई के घर और असद आवास भाई के घर, कुछ काम है वो करने हैं और वो काम करके इंशाल्लाह फैसलाबाद आऊंगा। फैसलाबाद आके आपको सारी शादी दिखाऊंगा। मैं, अम्मी, अब्बू, रजा भाई, हम पूरी फैमिली हम जाएंगे वहाँ सुल्तान की शादी पे, क्योंकि वो भी हमारी फैमिली ही है, तो इसलिए आप बहुत इंजॉय करेंगे। इस व्लॉग को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है mohsinabbas3553, उसे भी जरूर फॉलो करें। और मेरी डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा मेरे इंस्टा का, मेरे स्नैपचैट का, मेरे फेसबुक का, मेरे टिकटॉक का, आप वहां आकर भी मुझे जरूर फॉलो करें। और अब तो सर्दियां भी आ गई हैं इसलिए मैंने हल्की सी जैकेट सी पहनी है और टी शर्ट, ये देखे जरा, तो अभी जरा कैजुअल सी ड्रेसिंग की है। वहां से आके कपड़े वगैरह चेंज भी करने हैं और फिर जाना है सुल्तान की शादी पे, तो भी जल्दी जल्दी से मैं सारे काम जो है वो खत्म कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह सुल्तान की शादी पे चलेंगे। जी हम शाहनूर के घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम बता दो? सत्याना बांग्लो। चलें जी, अब वहाँ पहुँच के आपसे मिलता हूँ। जी मैं पहुँच गया हूँ और अभी अंदर चलते हैं। अभी अंदर पहुँच के तो फ्री हो के आपसे मिलता हूँ। A few minutes later. जी अभी फ्री हो गया हूँ और अब निकलते हैं फैसलाबाद के लिए, बहुत सारे काम हैं वो करने हैं और फिर निकलना है सुल्तान की शादी पे। जी मैं घर आ गया हूँ और अभी मैं तैयारी वगैरह कर रहा हूँ, कपड़े वगैरह अभी प्रेस करवाने हैं और फिर जल्दी से रेडी होना है। टाइम शॉर्ट है, 10 बज गए हैं, टाइम शॉर्ट है, तो अभी निकलना है जल्दी से। अभी रेडी शेडी हो जाऊँ। यार मेरे कपड़े जल्दी से निकाल दो, वो मेरा वाइट वाला सूट जो है इधर पड़ा हुआ था, कहाँ है? चलो देखो ज़रा जल्दी से और प्रेस करवा दो और ये शॉल भी करवा देना, ये और निकाल दो। यार ये अभी आप देखें ज़रा, 10 बज गए हैं और बाबर भाई अभी तक लगे हैं, ये सुबह के आए हुए हैं। तो ये हमारे ना ये कैबिन जो थे ये यहाँ तक आए थे और फूले हुए थे पानी के साथ, पानी गिरने की वजह से ना फूल के थे। अभी 4-5 महीने लगे हैं, तो 4-5 महीनों में इनका काम हो गया है। वाटरप्रूफ हमें लगवाना चाहिए था लेकिन हमें मिसगाइड कर दिया था उन्होंने, तो अभी हम चेंज वगैरह करवा रहे हैं। अभी ये तकरीबन 6 इंच का हो गया है, 5 इंच का, तो इधर जो नए कैबिन होंगे वो यहाँ तक आ जाएंगे, फिर ये 1-1.5 इंच बाहर आ जाएगा, इसलिए वो पानी का जो सिलसिला है वो फिर ज़मीन पर गिरेगा पानी। तो बाबर भाई थैंक यू सो मच, आप सुबह से लगे हैं, बहुत शुक्रिया। महबूब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यार मैंने तो अभी तैयार होना है लेकिन ये देखे ज़रा, क्यूट क्यूट बच्चे तैयार हो गए। आए आए आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाहनूर कितनी प्यारी लग रही, शाहताज भी कितनी प्यारी। अच्छा चलो खड़े होके अपना कंप्लीट ड्रेस दिखाओ, कंप्लीट ड्रेस दिखाओ, खड़े हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी इधर आओ, इधर आओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे काके, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो अब मैं भी रेडी हो जाऊँ, चले ठीक। जी गाइस मैं रेडी शेडी हो गया हूँ और आपको भी मैं फुल लुक भी दिखाता हूँ। हैदराबाद भाई ज़रा दिखाइएगा, और हैदराबाद भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह हैदर भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं आप भी। जी गाइस आपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं इसलिए अभी जल्दी निकलना होगा, वहाँ भी मेरा वेट कर रहे हैं, तो अभी इंशाल्लाह मैं निकलने लगा हूँ तो वहाँ पहुँच के आपसे मिलता हूँ। जी हम पहुँच गए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंज किया है, अभी बाहर से ही लग रहा है, क्यों हैदर भाई? क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं, चाचू और बबल और हैदर भाई अभी अंदर जा रहे हैं, अभी मिलते हैं दूल्हे राजा से भी। अच्छा
कैसे सुल्तान भाई? ठीक हो? ठीक है। मैं मेरा भाई दूल्हा है और माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, और आप सबने भी बहुत बेस्ट विशेस देनी है कमेंट्स में। माशाल्लाह मौलाना नेक्स्ट भाई भी है बहुत जल्द। जब भी ज़रा लंगर करने लगे तो लंगर करके उसके बाद आपसे मिलता हूँ। हेलो गाइस, ये मेरे भाई हैं, मेरे माँ बाप जैसे लगते हैं, और मैं इनका छोटा भाई भी लगता हूँ। ये मेरे जान से भी मुझे प्यारे लगते हैं। ये मेरा भतीजा है, वसी हैदर इसका नाम है, और मुझे बता रहा था कि मैं आपके व्लॉग्स देखता हूँ, तो मैंने कहा वसी मैं आपको भी लेता हूँ व्लॉग में, ठीक है? सोफे चुका के इतने खेलो। ਸੇਰੀ ਗਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਜੀਤੇ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਕਸੀਦਾ ਮੰਤਵਤ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਹਰਾ ਪੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਹਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇ, ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸੀਦਾ ਪੜਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਨੇ ਫਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਦ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਸਨ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਤੂੰ ਵੀ ਹਸਨ ਸਾਦਿਕ ਹੈ, ਨਦੀਮ ਵੀ ਹਸਨ ਸਾਦਿਕ ਹੈ, ਸਾਜਦ ਵੀ ਹਸਨ ਸਾਦਿਕ ਹੈ। ਸਾਜਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ये मेरा बचपन का दो
भाई ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और ज़ुबैर भाई ये वीडियो देख रहे हैं होंगे, भाई ने आपका बताया है, आप भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है जी गाइज, मैं भी घर आया हूँ और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, अभी रेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। कल बारात के व्लॉग में आपको मिलूँगा, वो भी बहुत अच्छा होने वाला है, आप सब वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगेवान, खुदा हाफिज़।